मच फॉर अ लवली विशेस. और आप सब लोग आए, बहुत खुशी हो रही है. और एक नया वेंचर अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अब तक हम पिक्चर शूट करते थे दूसरों की लोकेशंस पे जाके, तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हुआ मुझे कि हमें प्रोड्यूसर्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ की कमी होती है और क्या हमें देना चाहिए. तो एक छोटी सी कोशिश है कि एक छोटे सी स्टूडियो बनाया है, सेटअप किया है कि यहाँ जो प्रोड्यूसर्स आएँ उनको अच्छी फैसिलिटी मिले. और जैसे आजकल जो ज़माना है डिजिटल का ज़माना है, तो डिजिटली काफ़ी कुछ सोच के हमने लोकेशंस को डेकोरेट किया है, उनको रूप दिया है. तो बस प्रोड्यूसर्स आएँ, उनको एक अच्छा कंफर्ट फील हो और उसके साथ साथ उनका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा बनकर आए, अच्छा निखर कर आए. और जब ऑडियंस तक पहुँचे तो वो और भी अच्छा लगे ऑडियंस को. तो बस इसी कोशिश के साथ हैंगआउट स्टूडियो की को आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. और बस यही उम्मीद करते हैं कि ये सक्सेसफुल हो और लोगों को ये लोकेशन अच्छी लगे और आगे इन फ्यूचर हम और भी बड़ा स्टूडियो लेकर आए. मुकेश, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप कितने उत्साहित हैं और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की शुरुआत है ये और क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल कर रहे हैं आप? ये जो हैंगआउट स्टूडियो है आप जो देख रहे हैं, ये हैंगआउट स्टूडियो मतलब इतना अट्रैक्टिव, मतलब कैची नेम है. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये बड़े मेरे दिल के करीब है और हैंगआउट स्टूडियो, क्योंकि यहाँ पर पूरा सेटअप बना रखा है. देखा होगा आपने ये पूरी बिल्डिंग के अंदर जो जिस तरीके से शूट को एक जो चीज़ चाहिए, जैसे कि पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स एंड ऑफिसेस, इस बिल्डिंग में सब कुछ है. तो और हम अभी बहुत और भी इसके अंदर हम लोग तैयारियां कर रहे हैं शूट के लिए, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को जो है किसी और कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरीके की शूट को लेके. तो अभी तक तो बहुत बेटर से बेटर जो है यहाँ पर काम किया गया है और मुझे लगता है कि आज हमारा ये फर्स्ट डे है, ओपनिंग है इसकी. तो बस आप लोगों की जो है विशेष चाहिए जो ये बहुत अच्छी तरीके से चले और हम जो है एक कंफर्ट दे पाएँ प्रोड्यूसरों को, डायरेक्टरों को. और प्रोफेशनली एज अ प्रोड्यूसर एंड एन एक्टर क्या प्लानिंग है? अभी तो काफ़ी मुश्किल वक्त चल रहा है, लेकिन आगे चल के लग रहा है कि काफ़ी कुछ बदलने वाला है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं अपने प्रोडक्शन हाउस? लोग बदलने, कुछ तो बदला नहीं है, हम जरूर बदल गए हैं क्योंकि हम लोगों ने बहुत समय के बाद, कितने समय से मैंने शूट नहीं की है और आज जो है इतने समय के बाद मैं ये एक न्यू मैं कहूँगा एक लॉन्चिंग हो रही है हमारी, क्योंकि बस जल्द से जल्द ये लॉकडाउन ख़त्म हो और ये कोविड ये ख़त्म हो, कोरोना रन चला जाए और हर किसी का काम धंधा जो है स्टार्ट हो, क्योंकि मेरे साथ साथ सारे लोग जो हैं बहुत परेशान हैं. और बस मैं सब लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा कि ये जो है सब लोगों की अच्छे से अच्छे जो है मतलब काम धंधे चले और लोग खुश हों. एक्चुअली मुकेश जी और हमारे प्रोड्यूसर जी को मैं कई साल पहले मिला था ऑन सब्जेक्ट ऑफ मेकिंग अ मूवी टुगेदर, टू वर्क टुगेदर एज एन आर्टिस्ट, और वहाँ से जान पहचान हुई और अच्छा लगा. ऐसे लोग मतलब जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मुझे कहा गया था कि दे आर प्लानिंग टू डू अदर थिंग्स रादर देन जस्ट बी प्रोड्यूसर्स. तो मुझे पता नहीं था जब तक इस हफ्ते मुझे पता चला कि दे आर प्लानिंग टू मेक, दे ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन अ स्टूडियो एंड दे ब्रिंगिंग अ स्टूडियो फॉर शूटिंग्स एंड एवरीथिंग. तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आजकल चीज़ें इतनी मुश्किल हो गए हैं फॉर शूटिंग. ज़्यादा करके लोग बॉम्बे से दूर जा रहे हैं शूट करने के लिए, जैसे कि नायगांव हुआ या वी गो टू गुजरात, वी गो टू अदर प्लेसेस फॉर शूटिंग. और यहाँ पर विद इन बॉम्बे सिटी लिमिट्स, विद इन मलाड, मतलब हमारे सबर्ब्स में एक बढ़िया सा स्टूडियो उन लोगों ने इन्वेस्ट करके खोला हुआ है. सो आई विश देम ऑल द लक. इट्स अ मच रिक्वायर्ड, क्या कहते हैं, इट्स अ मच रिक्वायर्ड नीड फॉर द इंडस्ट्री. जितने स्टूडियोज हो सके दे नीड टू कम अप, ताकि इंडस्ट्री को थोड़ा सा, आई वुड यू से, इट बिकम्स ईजी फॉर द इंडस्ट्री. हमको दूर ना जाना पड़े, यहाँ पे जो लोग हैं उनको काम मिले, एंड यू नो एवरीबडी बेनिफिट्स फ्रॉम समथिंग लाइक दिस. सो मैं मंजू जी एंड मुकेश जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और थैंक देम दैट दे हैव डन समथिंग लाइक दिस फॉर द इंडस्ट्री एंड ऑल द बेस्ट टू देम. हमारा एक छोटा सा स्टूडियो है और हम चाहते हैं कि आप प्लीज़ आए स्टूडियो को देखें. और आज इनॉग्रेशन है तो मैंने भी सोचा कि होगा कोई, आजकल जैसे यू नो प्यारे प्यारे छोटे से कोजी टाइप के स्टूडियोज होते हैं, यहाँ आकर जब वाकई में सर पूरा स्टूडियो है या, लेकिन क्या करेंगे इतने बड़े स्टूडियो का? आजकल तो सब अपने जैसे कि मतलब पूरी फिल्म की शूट हो जाएगी यहाँ पर. ओ तो रिकॉर्डिंग्स होती है, शूटिंग्स होती है? ओनली फॉर शूट, ओनली शूट.
हैंगर है पूरा, हॉस्पिटल भी है यहाँ पे, आपको डिफरेंट डिफरेंट पुलिस स्टेशन है, बेडरूम से सब, शूट पर। अरे मुझे लगा स्टूडियो, हम तो हम लोग की सोच गानों तक ही रहती है, मुझे लगा कि म्यूजिक स्टूडियो है। नहीं नहीं नहीं, फिल्म स्टूडियो है, तभी तो आपसे कहा आप फीचर कर रहे हो आप। हाँ हाँ, तो फिर तो यार बारिश शुरू हो गई, लेकिन कमाल की बात है कि हाँ अभी सख्त ज़रूरत है, स्पेशली जो कोविड का जो वक्त है, कि कहाँ कहाँ आप अलग अलग जगहों में जाओगे शूट करने के लिए। एक ही जगह सारी उपलब्धियाँ हैं, यहाँ पुलिस स्टेशन है, बट अगर हम मास्क नहीं पहने तो सही, हम ही ना अंदर कर दें, तो बारिश भी हो रही है। बट आई एम वेरी वेरी थ्रिल्ड, वेरी हैप्पी मंजू जी कि आपने इतना अच्छा एक फैसिलिटी बनाया है राइट इन द हार्ट ऑफ द सिटी, और होपफुली हम लोग बहुत जल्दी आ गए अभी शूटिंग करेंगे, अभी बारिश आ रही है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।